पेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग बकेट टूल लेते हैं। यहाँ पर ये कलर फिल के लिए होता है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को हम लोग चेंज करते हैं। दोनों कलर को हम लोग ब्लैक ले लेंगे। ब्लैक लेने के बाद हम लोग एक यहाँ पे ब्लैक कलर दे देंगे और सर्कल लेने के बाद हम लोगों को जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का एरिया है इसको हम लोग वाइट कलर कर लेंगे। दोनों को वाइट करने के बाद एक हम लोग चांद बनाते हैं। चांद बनने के बाद हम लोगों को यहाँ पर सॉलिड कलर ऑप्शन लेना होगा जिससे ये पूरा पूरा अंदर वाइट कलर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग दोनों कलर को ब्लैक कर लेते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो कलर हमारे पास होता है। फिर से हम लोग इसको सॉलिड एरिया जो है सॉलिड लेने के बाद फिर से सर्कल लेते हैं और इस डिज़ाइन को ऊपर से ड्रैग करते हैं जिससे ये एक आधा चांद नजर आएगा, कटा हुआ चांद नजर आएगा और ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। फिर से वाइट कलर लिया और स्टार लेने के बाद स्टार हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे अलग अलग स्टार ट्रांसपेरेंट भी दे सकते हैं जिससे कि कई सारे डिज़ाइन छोटे बड़े आप स्टार बना सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें अलग अलग टूल का यूज़ करके डिज़ाइन बनाया गया है और इसको अच्छे से समझिएगा।